तो चलिए जी, सबसे पहले जैसे ही बाहर मुड़ के देखा तो देखा कैसा खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है, और इन्हीं खूबसूरत नजारों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और आज हमारे मंदिर में काम चल रहा है, तो सभी जो भी बिहारी हैं सब काम पे आ गए हैं। और मौसम आज ठीक ठाक है, हल्के फुल्के बादल हैं, लेकिन इतने बादलों से कुछ नहीं होने वाला। और मार्केट में देखिए कितनी रौनक आ रखी है, चारों तरफ लोगों ने चीले लगा रखे हैं और पूरे मार्केट को सजा रखा आज। तो चलिए जी, फाइनली मेरा टाइम हो गया और मैं यहाँ से अभी दिखोली गांव जा रहा हूँ, यानी कि आज जो थोला है उसको दूसरा दिन है, तो 5 दिन तक चलेंगे, 3 दिन अभी और हैं। तो आज जो कार्यक्रम होगा वो दिखोली गांव में होगा। बाकी यहाँ की बात की जाए तो नाना जी यहाँ पे सो रखे हैं और यहाँ पर शेर भी आराम कर रहे हैं, तो अपने धनों तो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए निकलते हैं एक हसीन सफर में मस्त व्यू के साथ। तो अपने घर से मैं फाइनली रोहित भाई के घर में आ गया हूँ, और ये रोहित भाई का पोस्ट ऑफिस है। हाँ जी, क्या हाल है? तैयार है ना? बाकी रोहित भाई के कमरे के सामने से इंटर कॉलेज दिखता है, जहां मैंने 9वीं से और 12वीं तक पढ़ाई की। आगे बढ़ते बढ़ते हम एक ऐसे पॉइंट पर रुके हैं जहां से कि सामने भिटारा गांव दिखाई देता है, और यही वो गांव है जहां की आखिरी दिन 5वें दिन देवता का थोला होगा और धूमधाम से यहां मनाया जाएगा। जहां पर ये झंडा लहरा रहा है यहीं पे पंचायत चौक है, और यहीं पे 5वां दिन बहुत ज्यादा भीड़ होगी, और यहीं पे हलवा देवता का जो कार्यक्रम है उसका संपूर्ण होगा, और सारे लोग वहां पर तैयारी में लगे पड़े हैं। पहाड़ों में तो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, लेकिन जो महिला शक्ति है ना, वो हमेशा काम पे लगी रहती है। और आजकल गेहूं की बुआई हो रही है, तो वो खेतों में गोबर डाल रहे हैं, वो इतने सारे जो यहाँ खेतों में काला काला है, ये गोबर डाल रखा है कंडी से। तो चलिए जी, फाइनली हम दिखोली के टैक्सी स्टेशन पे पहुंच गए हैं, यानी कि यहीं तक सड़क है, इसके बाद हमें आगे पैदल जाना है। और कल जो हम गए थे सामने वाले गाँव पे गए थे, ठीक सामने वाले गाँव में गए थे, इसका नाम है चोन्याट गाँव। देवता का जो दूसरा दिन है वो दिखोली गाँव में है, फिर यहाँ से तीसरा दिन सौड़ में होगा, चौथा लोदाड़ा, और फिर 5वां दिन जो समापन होगा वो भिटारा गांव में होगा। और ये है भगवान तामेश्वर देवता जी का मंदिर, और अभी हमें ठीक आगे जाना है, वहाँ चल रहा है देवताओं का थोला। तो अभी तक जितने भी लोग थे सबको सम्मानित किया जा रहा था, और अब जाके देवताओं के थोले स्टार्ट होंगे, यानी कि जो देवताओं की डोली है उसको नचाया जाएगा। जहाँ मैं कैमरा लगा रहा हूँ वहाँ सब मेरे सब्सक्राइबर निकल रहे हैं। तो चलिए जी, ये भी अच्छा होता है कि चलो आप किसी त्योहार में जा रहे हैं और वहाँ आपके सब्सक्राइबर मिले, इससे क्या होता है कि जो आपका हौसला है ना वो डबल हो जाता है। ये जो पंचायती चौक है काफी छोटा है, तो इस वजह से लोग अपने अपने घर के छत के ऊपर से यहाँ का नजारा देख रहे हैं। तो जहाँ अभी इतनी भीड़ हो चुकी है, तो लगा ये धीरे धीरे अभी लोग दूर दूर गांव से आ रहे हैं, बाद में तो यहाँ पांव रखने की भी जगह नहीं होगी। डोली को नचाया जाता है, तो बीच बीच में डोली पे कभी देवांश यानी कि देवताओं का अंश आ जाता है, उस वजह से डोली को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई साहब, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो गई डोली। लगाइए जो डोलियोर होते हैं यानी कि जिन्होंने डोली कंधे पे रखी रहती है, उन पे क्या बीतती होगी। बहुत ज्यादा गॉड पावर होती है भाई इनके अंदर, इन चीजों को कंट्रोल करना इंसान के बस में नहीं होता है। तो देखिए जी, देवता की डोली पे जब देवांश आता है, तो बीच बीच में जिनको दिक्कतें हो रही है ना, जो परेशान हो रखे अपने घर बार से या किसी भी चीज से परेशान हो रखे, तो देवता उनका निवारण बता देता है उनको। जब तक ऐसे देवता के कार्यक्रम चलते रहेंगे, तब तक ही हमारे पहाड़ों में जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो जिंदे हैं। लेकिन धीरे धीरे अब जब इस हिसाब से पलायन हो रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये संस्कृति भी धीरे धीरे अब लुप्त होने की कगार पे है। तो सब लोग खाना खाने जाएंगे, उसके बाद आगे ये कार्यक्रम जारी रहेगा। तो
तो फाइनली मेरी बुआ का घर ये है और यहाँ मैंने बचपन में बहुत समय व्यतीत किया है। आज मेरे को सौभाग्य मिला कि इसी घर में खाना खाऊंगा। न जाने कितने सालों बाद मैं आज यहाँ आ रहा हूँ, खासकर थोले पे। तो बुआ के घर जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहले यहीं पे एक उलखियारा पड़ता है, यानी कि ओखली, जिसमें कि धान की कुटाई होती है। यहाँ आते ही मुझे बचपन की याद आ गई। बचपन में बहुत आता था यहाँ। जहाँ भी नजर पड़ रही है, सभी लोगों ने सभी मेहमानों को अपने अपने घर ले जा रखा है। चलिए जी, फाइनली हमने खाना भी खा लिया है और यहाँ पर भी हमारे दो सब्सक्राइबर मिले, वैसे रिश्तेदार भी है पर सब्सक्राइबर बताना सही है। और आयुष भाई क्या हाल है? और गोपाल जी क्या हाल है? ठीक है ठीक है ठीक है। वीडियो देखते हो ना कि खा लिया? अभी कैमरे के आगे बोल रहे हो? तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है भाई। खाओ खाओ, है क्या तुम्हें? कितना किलो खाया जी आज? क्या हो गया आपका शरीर? ठीक है, उदासी आ रही चेहरे पे, क्या हो गया? मम्मी नहीं आ पाई, मम्मी की तो मधुली है, पता है आपको। मम्मी को भी साथ में लाना चाहिए। लेने क्यों नहीं आए आप? चलिए जी, फाइनली बुआ के यहाँ खाना भी खा लिया है। अब बुआ भी खुश हो गए भाई, नहीं तो बुआ नाराज हो रही थी। बुआ ने पिताजी से फोन किया, फिर पिताजी ने हिमाचल से बताया कि भाई वहाँ जाना ही पड़ेगा। एक्चुअली बुआ जो है ना मेरे पिताजी और ताऊ जी की इकलौती बहन है, तो फिर जाहिर सी बात है यार, यहाँ तो आना बनता है। जो सामने पे जो लाल लाल अनार की तरह दिखाई दे रहे हैं, इसको हमारी लोकल भाषा में हम गेंदाड़ू बोलते हैं। इसको खाया नहीं जाता है, इसको जो काल रात्रि होती है उस दिन पूजा जाता है और इसको फाड़ के चारों तरफ फेंका जाता है। महिलाओं का थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसके बाद ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हो जाएगा, सब लोग अपने घर चले जाएंगे उसके बाद। चलिए जी, फाइनली वहाँ कार्यक्रम तो अभी चल ही रहा है, लगभग एक डेढ़ घंटा और रहेगा, हमें अभी घर जाना पड़ रहा है फिर। तो फाइनली हम सामने वाली उस धार से आए हैं और वहाँ अभी भी देवताओं के थोले चल रहे हैं। बाकी अब वहाँ भी थोड़ी देर में धूप जाने वाली है और जैसे हम उस धूप से इधर आए ना, वैसे इतना ठंडा हो गया ना मौसम। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर और यहाँ आते ही अनीता नाराज हो गई मुझसे। क्यों हुई तू नाराज, क्या हो गया? कहाँ जाएगी? एक्चुअली अनीता की जिद है कि मैं भी जाऊंगी कल कल, क्योंकि दो दिन तो हो गए हैं तो तीन दिन तक और थोला है, ये बोल रही मैं भी जाऊंगी कल कल। मैं इसको बोल रहा हूँ लास्ट दिन जाना। मेरे दोस्त सब जा रहे। कोई बात नहीं, तू अगली बार जाना, ठीक है? चाय बनाएगी अब? चलो अनीता गर्मा गर्म चाय बनाएगी। और बाकी रोहित जैसे ही आया शेरों को सहला रहा है, इसको पता है कि भाई अगर एक बार चिढ़ गया ना। और बाकी धूप हमारे घर से ठीक सामने वाली धार पे चले गई है। सामने वाले पेड़ पे देखिए माल्टे भी पक गए, तो अब कुछ दिन में खटाई देखने को मिलेगी आपको। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, चलो चलो खाओ खाओ। तो मधुली और बिंदु को बाहर निकाल दिया है। चलिए जी, अनीता ने गर्मा गर्म चाय ला दी है। धन्यवाद। चाय तो हमने पी ली, बाकी रोहित भाई बोल रहे हैं कि घर जाते हुए बोले मैं एक दो माल्टे ले जाता हूँ। तो हमारे इतने सारे माल्टे लगे हुए यहाँ, तो मैंने इसको बोल दिया भाई निकाल ले और ले जा किसी को भी। रोहित भाई ने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ मिर्ची भी बहुत लगी हुई, तो मिर्ची दे दो, क्योंकि मिर्ची भी खाता भाई। बाकी देखिए सामने से, हाँ भाभी जी थोड़ा इधर इधर आओ, जरा सांप नहीं दिख रहे आप, वो डंडा दिख रहा। ये देखो भाई, अरे वाह, जलवे तो हमारी भाभी बिखर रही है आजकल। सही है सही है सही है, चलो चलो बढ़िया बढ़िया। माधुली और बिंदु देख रहे हैं रोहित भाई को कि ये अजनबी कौन आ रखा है। अरे अपने दोस्त है, तुम टेंशन मत लो, तुम खाओगा आराम। अरे नहीं नहीं, तू खा 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 खा, टेंशन मत ले, खा दे रहे। अरे रोहित भाई यार, तूने हमारे मधुली बिंदु को डरा दिया यार। हाँ ये तो सही बोला तूने भी। तो चलिए जी, अनीता जी ने ला दिया है थैला। हाँ जी, कुछ शब्द बोलिए इसके बाद। बंदा उधारी पे चल रहा है आजकल, यहाँ भी और दुकान में भी। तो भाई गाय भी आ गए जंगलों से चर के। रोहित भाई बोल रहे हैं कि आधे रास्ते तक छोड़ दो बंद, इनको डर लगता है यहाँ रास्तों में, कोई कहीं रास्ते से कोई बाघ वगैरह ना आ जाए। चलिए जी, फाइनली रोहित भाई यहाँ से जाएंगे। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं भी अब घर जाता हूँ, यहाँ तो शेरू भी आ गया था मेरे को लेने। तो शाम की 5 बज गए और माँ सुबह 9 बजे से जा रखी है जंगलों में, और मुझे अभी नाना जी बोल रहे कि तेरी माँ वाला आई नहीं। मैंने सोचा कि माँ दिन में आई होगी, खाना खाया होगा, फिर गई होगी, लेकिन सुबह से बोला अभी तक आई नहीं। पर ऐसे में तो टेंशन हो रही है यार, क्योंकि आजकल ना जंगलों में खतरा भी है, बालू भाग का खतरा भी है। तो 10-15 मिनट और इंतजार करते हैं, अगर माँ नहीं आए तो माँ को लेने जाना पड़ेगा। और मुझे एक्चुअली पता नहीं कि माँ किधर साइड जा रखी है। माँ ने इतना ही बोला था कि मैं जंगलों में जा रही हूँ। अब जंगलों में बहुत सारी जगह है जहाँ माँ लोग जाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि माँ कहाँ जा रही है।
क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। माँ सुबह चले गई थी 9 बजे और शाम की 5 बज गए लेकिन अभी तक नहीं आई। और मधुली और बिंदु की भी नजर बनी हुई है कि माँ अभी तक क्यों नहीं आई। तो मधुली और बिंदु को पानी पिलाने का समय आ गया है और बिंदु तो टेंशन में है कि माँ कहाँ गई आज। हाँ भाई बिंदु, तू भी देख रहा है माँ कहाँ गई नहीं। चलिए जी, फाइनली माँ भी आ गई है। तो चलिए जी, फाइनली माँ भी आ, माँ इतनी लेट आज है। तो माँ बोल रही कि जंगलों में घास ही नहीं मिल रहा। बताओ, एक्चुअली जो घास था वो जब आग लगाई थी कुछ महीने पहले वो सारा घास जल गया, तो अब जंगलों में घास ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए दूर जाना पड़ा बल। तो वह आते ही गर्मा गर्म चाय मिल गई है। तो माँ जैसे ही जंगलों से आए तो माँ को पहले गर्मा गर्म चाय पिलाई गई ताकि माँ का थक उतर जाए। और फैन भी खाओ माँ, ठीक है? क्या हो गया, स्वास्थ्य पानी ठीक नहीं है? माँ को थक लग गया बहुत ज्यादा। तो माँ बोल रही बहुत दूर जा रही थी ना। बाकी यहाँ की बात की जाए तो अनीता अभी आटा गूंथ रही है और प्याज टमाटर भी उसने काट दिया है। अनीता क्या बना रहे हैं स्पेशल? अरे वाह, ऐसी ऐसी चीज बोलती है जो यहाँ है ही नहीं। बाकी चलिए इसको आटा गूंथने देते हैं। कैमरा बंद करूं हैं? हाँ फोकस करो, ये है। बाकी अंदर की बात की जाए तो नाना जी यहाँ दीपक दे रहे हैं। बाकी इस पे अरहर की दाल लगा रखी है अभी। बाकी मैं किचन में आया तो माँ ने यहाँ आग जला रखी है और मधुली के लिए यहाँ पिंडा लगा दिया, यानी कि चावल को गर्म पानी में उबालना है तो सुबह मधुली को दिया जाएगा। और बाकी भाई माँ ने आज हमको डरा दिया था और मैं तो मतलब टेंशन में आ गया था कि माँ कहाँ चले गए, सुबह से जा रखी। माँ ऐसे मत जाए कर यार, माँ ऐसे में टेंशन होती फिर घाई नहीं मिलनी। अब मत जाना यार माँ, कसम से हमको घबराहट हो गई थी ऐसे में। अरे डर लगता है फिर भी ना, क्योंकि जंगलों में बाघ का डर है, रीढ़ का डर है, आए दिन बहुत घटना सुनते हमने। अब मत करना, ठीक है? हाँ। और बाकी समय अब वीडियो को समाप्त करने का आ गया, क्योंकि मेरे को इसके बाद अब एडिटिंग भी करनी है। बाकी खुशी की बात ये कि चलो भाई माँ जी टाइम से आई गई थी लास्ट में घर, नहीं तो हमें टेंशन हो गई थी नहीं। हाँ। बाकी चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई साहब सब बोल देगी बार। मैं रविंद्र भोगना और ये अनीता भट्ट, मिलते हैं किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय दे भूमि उत्तला। बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर। हाँ मैं तो भूल गई।